ये जो अभी मौसम चल रहा है गर्मी वाला, ये कंपोस्टिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। आपकी कंपोस्टिंग बहुत फास्ट होगी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रख लोगे इसका तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है हम आपको बताएंगे किस तरह से घर में बहुत ही आसान ढंग से कंपोस्टिंग करी जा सकती है। वैसे तो हमने कंपोस्टिंग पर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन जो हमारे नए इधर व्यूअर फ्रेंड्स जुड़े हैं हमारे से, हम उनके लिए बता रहे हैं कि वो ए टू जेड में उनको कैसे कंपोस्टिंग करना है ये बताएंगे। दोस्तों, कंपोस्टिंग करने के लिए आपको मेनली जो है चार तरह की चीजें चाहिए। सबसे पहले तो एक कंपोस्ट बिन चाहिए। कंपोस्ट बिन जो है, आप घर में पुरानी बास्केट है, बाल्टियां हैं, कोई भी कंटेनर बड़ा उससे बना सकते हैं। और कुछ नहीं है तो आपके यहाँ जो अगर गमले वगैरह बड़े साइज के हैं, बड़े साइज का मतलब है 10 इंच या उससे बड़े गमले रहे उसको भी यूज कर सकते हैं। फिर जो इस तरीके के सीमेंट के जो गमले आते हैं इनको भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं मिलता तो लॉन्ड्री बास्केट टूट जाती है उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अंदर की तरफ कोई भी ग्रीन नेट का पीसेस या बोरी वगैरह कुछ लगा करके यूज करें, डायरेक्ट ना करें, सारा पूरा बाहर निकल आएगा तो बहुत सामान यूज हो जाता है। हमने तो डलिया में भी कंपोस्टिंग करी, जो लकड़ी की सिंपल डलिया आती है उसमें भी कंपोस्टिंग करी है। हाँ, 3-4 साल करने के बाद वो डलिया भी जो है वो कंपोस्ट बन गई थी। तो कंपोस्टिंग सब में हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको आइटम जो है एक कंटेनर चाहिए कंपोस्टिंग के लिए। कंटेनर में ढक्कन जरूर होना चाहिए, ये मस्ट है। नहीं है तो कोई भी आप बड़ा बर्तन, कोई भी बड़ी चीज यूज करके उसको ऊपर आपको कवर करना होगा उसको। दूसरा जो है आपको ये किचन वेस्ट चाहिए। किचन वेस्ट दोस्तों, अगर आपके पास ज्यादा नहीं है तो आप जो है इस तरीके की जो हरी पत्तियां वगैरह होती हैं, घास होती है, कटी हुई घास वगैरह, तो इन सबको भी कंपोस्टिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। मतलब ग्रीन में आप जो आपको ग्रीन चाहिए, गीला चाहिए, तो उसमें आपका किचन वेस्ट आ जाएगा सारा, और साथ में आपकी जो इस तरीके की ग्रीन पत्तियां वगैरह होती हैं, घास होती है, ये भी आ जाएगी। ये ब्रेड वगैरह भी हो जाती है। लेकिन हाँ, घी और बटर जिसमें लगा हो उस आइटम को, मलाई भी, उस आइटम को आप कंपोस्टिंग में ना ही डालें तो ज्यादा अच्छा है। वो कंपोस्टिंग आपकी खराब हो जाती है, जो कंपोस्टिंग करने वाले एजेंट्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये तो आपको ग्रीन वेस्ट आपका हो गया है। दूसरा आपको सूखा वेस्ट चाहिए, ड्राई वेस्ट चाहिए, जो कि ब्राउन कलर में भी होता है जनरली। सूखे वेस्ट में आप जो है, अगर आप गार्डनिंग करते हो तो इस तरीके की सूखी पत्तियां, सूखी घास, ये सभी निकलता रहता है, टहनियां वगैरह निकलती हैं, वो यूज कर लीजिए। और अगर गार्डनिंग नहीं करते हैं दोस्तों तो इस तरीके के आपके यहाँ अगर डिब्बे आते हैं कार्डबोर्ड वाले, तो इनको भी यूज कर सकते हैं। ये डिब्बे कर सकते हैं, मिठाई वगैरह के डिब्बे आते हैं, इवन जो न्यूज़पेपर होते हैं। फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं मिलता है आपको तो आप कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी को भी कंपोस्टिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कोई भी इसमें से प्लास्टिक का सामान ना रहे और कोई चिकना पेपर ना हो। चिकना जो शाइन करता हुआ पेपर रहता है ना, कई मैगजीन्स में आता है, तो वो ना रहे तो ज्यादा बेटर है। तो आप कंपोस्टिंग में सभी कुछ यूज कर सकते हैं। कंपोस्ट बिन का जो साइज लीजिएगा एटलीस्ट 10 इंचेस से ऊपर ही लीजिएगा, वही बेटर रहेगा। क्योंकि कम से कम आपका जो कंपोस्ट बिन है 15 डेज में भर जाए। बड़ी फैमिली है, बड़ा भी ले सकते हैं या बहुत सारे कर सकते हैं। हमने भी कंपोस्टिंग जो था एक दो अपने बॉक्सेस से शुरू करी थी, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो मेरे ये बॉक्सेस भी कम हो गए हैं, मैं बहुत जगह अलग अलग तरीके से भी कंपोस्टिंग करती हूँ। 3 आइटम ये हो गए हैं, बॉक्स हो गया, कंपोस्टर, ग्रीन वेस्ट आपका या किचन वेस्ट कहिए, या फिर थर्ड नंबर में ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट आपको ज्यादा चाहिए ग्रीन वेस्ट से ज्यादा। जब भी कंपोस्टिंग आप शुरू करें तो ये कोशिश करें कि जो सूखा मटेरियल होता है इसका इंतजाम अपने पास रखें। कहीं से भी आप रख सकते हो, भूसा वगैरह होता है वो भी होता है, कोकोपीट भी होती है, नारियल का बूरा भी ड्राई वेस्ट में होता है, तो उसका आप इंतजाम जरूर रख लें। नहीं तो न्यूज़पेपर वगैरह लगते हैं, ज्यादा लगते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर दोस्तों बहुत पतले होते हैं, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा लगते हैं। तो आपको जो है कंपोस्टिंग स्टार्ट करने से पहले सूखा मटेरियल जो है ये जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। 4th एजेंट हम वो बता रहे हैं जो कि कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हाँ उसको आप रखोगे तो अच्छा है। खट्टा दही हो तो अधिकतर सभी घर में होता है, गुड़ भी हो जाता है, मतलब इसमें तो कोई भी एक आइटम आप ले सकते हो, जरूरी नहीं कि सभी आइटम आपके पास चाहिए।
और गुड़ बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है, ज्यादा नहीं चाहिए होता, दही भी छोटा थोड़ा चाहिए होता है। इसके बाद आप जो है, अगर आपके पास वेस्ट डीकम्पोजर का आपने लिक्विड बना के रखा है तो फ्रेंड्स उसको भी आप खुद आराम से यूज कर सकते हो, वो भी जो है कम्पोस्टिंग के प्रोसेस को आपको फास्ट कर देता है। तो अब जो है हम आपको कैमरे को पास लाते हैं और आपको जो है कम्पोस्टिंग की चीजें दिखाते हैं कि किस तरीके से कम्पोस्टिंग की लेयर लगानी है, और मेरी जो पहले की कम्पोस्टिंग है उसके भी आप एक्सपीरियंस को देखो, उसमें भी क्या रिजल्ट आया है वो भी हम आपको आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको अपना वो कंपोस्ट बिन दिखा रहे हैं जो ऑलमोस्ट रेडी ही हो गया है, यूज़ करने लायक है। ये जो आपको इसमें मोटी मोटी टहनी दिख रही है ये तो बहुत दिन में डिकम्पोज होगी, तो इसको मैं अलग हटा करके यूज़ कर लूँगी। तो ये मेरा ऑलमोस्ट रेडी ही है। अब हम आपको वो अपना कंपोस्ट बिन दिखाते हैं जो कि 25 डेज या 1 मंथ में रेडी हो जाएगा। ऊपर की तरफ आप ये देख के मत सोचना कि ये रेडी है, इसके अंदर जो है काफ़ी कुछ डिकम्पोज मटेरियल पड़ा हुआ है। ये मैं जो हूँ अपनी जब कंपोस्ट बिन फाइनल हो जाता है तो उसको थोड़ा बहुत मिट्टी से कवर करके रख देती हूँ ताकि मच्छर मक्खी ये सब चीज़ें ज़्यादा ना दिखाई दें। तो ये जो है मेरा कुछ दिन में रेडी हो जाएगा, बस ये मुझे सारा बाकी है इसको थोड़ा वो करने में। ये देखिए इस तरीके से इसमें जो था एक हवा में खुल गया था, थोड़ा सा बारिश का पानी चला गया है इसमें, इसीलिए दोस्तों कहा कवर ज़रूर कर दीजिए इसको। ये जो है कंपोस्ट बिन को हमेशा जो है देखिए काफ़ी सारे होल्स बना दीजिए इस तरीके से, नीचे की तरफ भी होल रखिए। जितना अच्छा होल्स रहेंगे उतनी ही फास्ट कंपोस्टिंग होगी, एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा, माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी, माइक्रोब्स ही आपकी कंपोस्टिंग को फास्ट करेंगे। कंपोस्ट बिन में सबसे पहले नीचे जो है कम से कम 2-3 इंच मोटी सूखे वेस्ट की लेयर बिछा दीजिए। सूखा इसलिए बिछाना ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर अगर आप किचन वेस्ट डालोगे तो किचन वेस्ट से जो भी मटेरियल गीला निकलेगा तो वो इसको अपने आप ही मॉइस्ट कर देगा, आपको अलग से मॉइस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप सूखा डालिए, अगर गीला मटेरियल खाली गीला मटेरियल रखोगे तो वो गीला जो है मटेरियल नीचे जाएगा और नीचे से फिर गंदा गंदा पानी बदबू करेगा। ये जो है आपका किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट अगर आपका एक हिस्सा है तो कम से कम तीन हिस्से आपके सूखे वेस्ट होने चाहिए। सूखा वेस्ट हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। किचन वेस्ट को आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके ऊपर मक्खी मच्छर ये सब भिनभिनाने लगेंगे। और इसको कवर कर देने से फ्रेंड्स जो नीचे थोड़े बहुत कीड़े पैदा होते हैं वो नीचे ही नीचे रहते हैं, वही जो कीड़े होते हैं ना, कीड़े होना बिल्कुल नॉर्मल है, वही इस कंपोस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट करते हैं। जैसे जैसे ऊपर से आप मटेरियल डालते जाओगे ये जो मटेरियल ये वाला डिकम्पोज होकर के अपने आप ही दबता चला जाता है, अभी फूला फूला लग रहा है बाद में दबता जाएगा। हम जो है जो मेरे पुराने गमले की मिट्टी रहती है कभी कभी इससे भी कवर कर देते हैं इस तरीके से। देखिए बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट आपका गीला गीला रहेगा तो अक्सर जो है हम लोग के इसी कंपोस्टिंग से बदबू आने लगती है। अगर आप सूखा वेस्ट यूज़ नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा कीड़े दिखाई देंगे, वो आपको घिन आएगी। अच्छा, कंपोस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए थोड़ा सा कभी कभी गुड़ के पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं या फिर दही का। बिल्कुल आपको 10 ग्राम गुड़ लेकर के उसको थोड़े से पानी में 250 ml पानी में घोल करके हल्का सा छिड़काव कर लो, सॉरी थोड़ा सा 10 ग्राम गुड़ लेकर के पाव भर पानी में रख कर दो। ऐसे ही दही के संग भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा दही लेकर के उसको पानी में घोल करके छिड़काव करिए। छिड़काव ही करने को कहा है, मॉइस्ट रखने को कहा है, गीला रखने को नहीं कहा है, नहीं तो फ्रेंड्स माइक्रोब्स भी जो है गीले के चक्कर में मरने लगते हैं, मतलब वो कंपोस्टिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है। फिर कंपोस्ट बिन को आपको कवर करके ही रखना है। कवर करने से फ्रेंड्स अंधेरा भी रहता है, अंधेरे में माइक्रोब जल्दी बढ़ते हैं। आप चाहो तो जो है 10 से 15 दिन में एक बार कंपोस्टिंग को इस तरीके से उलट पुलट भी कर सकते हो। जब जब ये डिब्बा पूरा भर जाता है तब इसको फ्रेंड्स ऊपर से चाहो तो मिट्टी करके इसको कहीं पर भी आप रख दीजिए।
कंपोस्ट बिन को हमेशा किसी चीज़ के ऊपर रखिए ताकि इसमें से जो भी लिक्विड निकलता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए। आपकी ज़मीन में रहेगा तो फ्रेंड्स वहाँ पर कीड़े पैदा हो सकते हैं। इसमें से जो लिक्विड निकलेगा उसमें आप पानी मिक्स करके अपने पेड़ पौधों में भी दे सकते हो, और इस तरीके से आप एक के ऊपर एक डालते रहो। आपका 15-20 दिन महीने में जब भी कवर होता है उतने दिन तक ये प्रोसेस करते रहिए। अब हम आपको अपने पहले वाली कंपोस्टिंग दिखाते हैं कि वो जो है ऑलमोस्ट रेडी है। मैं उसको रेडी ही है, मैं यूज़ भी कर रही हूँ। पहले मेरा ये कंपोस्ट बिन था, ये टूट गया है, ये मेरी रेडी है। कंपोस्ट जब रेडी होती है तो धीरे धीरे दोस्तों इस तरीके से बदल जाती है, कोई भी बदबू नहीं रहती है, कोई कीड़ा मकौड़ा नहीं रहता है, सब अपने आप ही इसमें मर जाते हैं, डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। और अगर थोड़ा बहुत आपको चीटी ईटी या एकाध दिखते हैं तो वो नॉर्मल है, क्योंकि खुला पड़ा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, तो फिर वो हो जाता है। इसको वैसे हम कवर करके रखते हैं, किसी बोरी में भी भर के रख सकते हैं। ये सूखनी नहीं चाहिए, हल्की सी मॉइस्ट अगर रखें तो ठीक है। कभी हम देखते हैं सूखने से भी तो लगी, हल्का सा पानी का छिड़काव कर देते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक लगाई है, अदरक में मैंने यही वाली कंपोस्ट अपनी यूज़ करी है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यूज़ करिए, अधिक गीली मत करिए कंपोस्ट, बार बार कह रहे हैं बदबू आने लगेगी। और हमेशा गीले वेस्ट को कवर करके रखिए सूखी चीज़ से, ताकि जो है कीड़े मकौड़े बहुत ज़्यादा रेंगते हुए आपको ना दिखाई दें। कीड़े मकौड़े होना बिल्कुल नॉर्मल है, उसके लिए आप परेशान मत होना। जैसे जैसे आपकी कंपोस्टिंग जो है कंपोस्ट खाद में बदलती जाएगी, वैसे वैसे अपने आप ही कीड़े उसमें जो हैं सब मर जाते हैं, कुछ नहीं रह जाता है। कंपोस्ट रेडी होने के बाद आप इसको किसी भी थैली वगैरह में भर करके रख सकते हो। और इसमें ये ध्यान रखना, बहुत तेज़ धूप वगैरह में मत रखना, क्योंकि कंपोस्टिंग को फिर थोड़ा सा ख़राब सी होने लगती है। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन है, पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।